बॉलीवुड के सबसे ताकतवर लोगों में से एक करण जौहर को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हाल ही में करण जौहर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करण जौहर ने इस बात का खुद खुलासा किया था कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की वाइफ का करियर बर्बाद करना चाहते थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई फिल्म स्टार्स ने करण जौहर पर निशाना साधा और करण जौहर को खूब भला बुरा कहा। कंगना रनौत ने करण जौहर को चाचा चौधरी कह डाला। वहीं कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और अपूर्व असरानी भी करण जौहर पर खूब भड़के थे। वहीं अब इस वायरल वीडियो के बाद करण जौहर ने स्टेटमेंट दिया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक इनडायरेक्ट नोट लिखा। करण जौहर ने लिखा, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं है। झूठ का बन जाओ गुलाम, हम बोलने वालों में से नहीं है। जितना नीचा दिखाओगे, जितना आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं है। हमारा कर्म हमारी विजय है। आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं है। आपको बता दे, वायरल हो रहा वीडियो करण जौहर के साल 2013 के कॉफी विद करण का एक एपिसोड है, जिसमें करण खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अनुष्का शर्मा का करियर खत्म करना चाहते थे। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career because when Aditya